ग्रेटर नोएडा दिल्ली का स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल आगामी यूपी के चुनाव में मुद्दा बन सकता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सभी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के साथ पीएचसी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को आधुनिक बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद यमुना प्राधिकरण एक्शन में अधिकारियों ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है। इन स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों में क्या क्या काम किए जा रहे हैं इसका भी ब्यौरा मांगा है। जानकारी मिलने के बाद इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्राथमिक और स्वास्थ्य केंद्रों की दशा सुधारने के निर्देश दिए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले सभी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत आधुनिक बनाने के निर्देश दिए हैं। इस ऑपरेशन के तहत कुल 14 मानक तय किए गए हैं, जिनमें कमरों का निर्माण, बिजली, पानी, शौचालय और रंगाई पुताई आदि का काम शामिल है। उन्होंने बताया कि इस काम को 30 सितम्बर तक पूरा करने के लिए पूरे क्षेत्र को 8 जोन में बांटा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस काम को भी 2 से 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए CSR के तहत फंड की व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी कारण CSR से फंड की व्यवस्था नहीं हुई तो प्राधिकरण अपने संसाधनों से धन की व्यवस्था करेगा। वहीं प्राधिकरण पहले से ही क्षेत्र के सभी गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने का काम कर रहा है, इसीलिए इस काम में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हेल्थ में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उनमें भी जो टूट फूट है उसका जो मेंटेनेंस है, वहाँ भी जो कमरे हैं उनको ठीक कराया जाए, उनका मेंटेनेंस कराया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो प्रॉपर रहें। और साथ ही साथ वहाँ पर हेल्थ ATM लगवाया जाए CSR के माध्यम से, ताकि जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। और उसके साथ साथ टेली मेडिसिन को और टेली कंसल्टेंसी को भी जोड़ा जाता है।